Good morning, student. How are you? I hope all you are in good. My dear student, today I have started making online videos for class third. Chapter name is Soil Science. Lecture one. In this chapter, we learn about formation of soil layer and composition of soil types of soil, uses of soil. So. लेट स्टार्टेड फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों आप यहाँ गौर से देखिए ठीक है प्लांट्स नीड सॉइल टू ग्रो प्लांट्स को क्या ज़रूरत है मिट्टी ताकि वो ग्रो सके ग्रो कर सके यस प्लांट्स नीड सॉइल टू ग्रो फार्मर्स नीड सॉइल टू ग्रो फूड तो क्या किसानों को ज़रूरत है मिट्टी की ताकि वो फूड को ग्रो कर सके तो यस तो यहाँ पे आप टिक लगाइएगा येस सोयल इज़ होम टू मैनी एनिमल्स मिट्टी क्या बहुत सारे जानवरों का घर है तो क्या होगा बच्चों यस बच्चों अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज सोयल सोयल मिट्टी है क्या तो गो टू पार्क एंड dig आउट सम soil आप पार्क में जाओ और खुदाई करो मिट्टी की ऑब्जर्व इट केयरफुली बट ध्यान से यू विल फाइंड इन ए पार्टिकल्स एंड समयल इन सेक्ट ऑफ वम आप देखोगे कि बहुत छोटे छोटे कन हैं और छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं द स्मॉल पार्टिकल्स आर रॉक एंड डेड प्लांट्स जो जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं या तो वो पत्थर होते हैं या फिर डेड प्लांट्स यानी कि मरे हुए प्लांट्स होते हैं और एनिमल्स होते हैं इन एडिशन टू दिस सॉयल आल्सो कॉन्टेन एयर एंड वाटर इसके अलावा मिट्टी में क्या होता है मिट्टी में हवा होता है और और पानी भी होता है सॉयल फॉर्म द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ मिट्टी कहाँ बनती है तो मिट्टी आपको बनती है अर्थ के जो ऊपर का लेयर होता है वहाँ पर ऊपरी सतह पर इट इज़ होम टू मोस्ट प्लांट्स एंड मैनी स्मॉल एनिमल्स ये घर होता है बहुत सारे पौधों का बहुत सारे प्लांट्स का और बहुत सारे छोटे एनिमल्स का, का फिगर जिसमें जाहिर किया गया बताया गया है कि प्लांट्स को जरूरत है मिट्टी की ताकि वो ग्रो कर सके नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं फॉर्मेशन ऑफ सुल यानी कि सॉल बनता कैसे है स्वाल फॉर्मेशन कैन टेक थाउजेंड और इवन मिलियंस ऑफ ईयर मिट्टी बनने में हजारों साल और करोड़ों साल लग जाते हैं स्वाल इज़ फॉर्म बाय द ब्रेकिंग ऑफ ह्यूज रॉक इन द स्मॉल द दिट ऑफ द सन एंड द फोर्स ऑफ रेन एंड विंड जो मिट्टी जो फॉर्म होती है वो बड़े बड़े जो टुकड़े होते हैं पत्थर के उनको छोटे छोटे पीसेस में तब्दील होकर किससे तो वो हीट से सूरज की गर्मी से या फिर जोरदार जो बारिश होती है या फिर हवा से क्या होते हैं ये छोटे छोटे पीस में बढ़ जाते हैं फर्दर और हीटिंग द ग्राउंड और बाई कोल्डिंग अगेंस्ट ईच दिस पार्टिकल्स ब्रेक इनटू स्मॉल पार्टिकल्स और गर्मी से क्या होता है ये जैसे जैसे गर्मी पड़ता है या फिर जैसे जैसे इनमें प्रेशर पड़ता है तो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में क्या होते हैं ब्रेक कर जाते हैं टूट जाते हैं ग्रेजुअली दीज स्मॉल पार्टिकल्स गेट मिक्स विद द रिमेन ऑफ प्लांट एंड द डेड एनिमल्स टू फॉर्म सॉइल उसके बाद ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये जो कन होते हैं ये मिल जाते हैं बच्चे कुचे जो मरे हुए प्लांट होते हैं और जो डेड एनिमल्स होते हैं जो जानवर होते हैं उनसे ये मिलकर सॉइल को फॉर्म करते हैं यानी कि सोयल फॉर्मेशन का जो प्रोसेस होता है वो काफ़ी लंबा होता है हुआ है द टेक्सचर ऑफ़ स्वाइल टेलर्स द स्वाइल इज मोर लाइक सैंड सर्ल्ट और क्ले द मोर लाइक सैंड अल इज द लेस वाटर इट कैन होल्ड और द अदर हैंड द मोर लाइक क्ले अ स्वाल इज मोर वाटर इट कैन होल्ड मिट्टी का जो हम है ना मिट्टी को देख कर हम बता सकते हैं मिट्टी को देख कर हम कह सकते हैं कि कौन सी मिट्टी बालुई है कौन सी मिट्टी चिकनी है कौन सी मिट्टी क्ले है तो इसको हम देख के बता सकते हैं द मोर लाइक सैंड अ सोयल इज़ लेस वाटर जो बालवी मिट्टी होती है उसमें पानी जो है ना वो मतलब लेस होता है ठीक है मतलब वो पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है और दूसरी तरफ जो क्ले टाइप की मिट्टी होती है वो पानी को होल्ड करके रखता है क्या करके रहता है होल्ड करके रखता है इसलिए राजस्थान में देखते हैं आप पानी की मात्रा काफ़ी कम है अदरवाइज हमारे रीजन में पानी मिट्टी को अच्छे तरह से एब्जॉर्ब करती है अब हम पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ सॉइल कंपोजिशन ऑफ सॉयल के बारे में पढ़ेंगे सॉइल इज कम्पोज ऑफ रॉक पार्टिकल्स स्टोन सैंड एंड क्ले सॉयल जो कंपोज होता है वो होता है रॉक पार्टिकल से स्टोन से सैंड से और क्ले से इट ऑल्सो कॉन्टेन रिमेन ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स इसमें और भी क्या क्या मिला होता है इसमें आ, कुछ डेड प्लांट्स यानी कि Uh, मरे हुए पत्ते जानवर जिसको हम ह्यूमस बोलते हैं क्या बोलते हैं इनको इनको हम ह्यूमस बोलते हैं ह्यूमस प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द प्लांट ह्यूमस क्या प्रोवाइड करता है ह्यूमस प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन प्लांट्स को होल्ड वाटर एंड मेक द सॉइल फर्टाइल और पानी को होल्ड यानी कि रोक रोकते रखता है और मिट्टी को क्या बनाता है उपजाऊ बनाता है उपजाऊ मिट्टी बनाता है ठीक है यानी कि मिट्टी को अच्छा बनाता है ये रहा आपका सॉइल का कंपोजिशन सो माई डियर स्टूडेंट आज मैंने आपको पढ़ाया दो चीज़ एक बनाया मैं पढ़ाया मैंने आपको फॉर्मेशन ऑफ सवाल और दूसरा मैंने पढ़ाया लेयर और कंपोजिशन ऑफ सॉल इसके बाद मैं आपको टाइप्स ऑफ सवाल पढ़ाऊँगी और यूजेस ऑफ़ सॉल पढ़ाऊँगी जो बच्चों मैंने जो आप, आपको आज पढ़ाया आप प्लीज़ उसको रीड कीजिए और समझने का कोशिश कीजिए सो चिल्ड्रेन टेक केयर स्टे होम स्टे सेफ थैंक यू